गाइस तो अभी मैं और सिंचन बैठ के देख रहे थे यार कि कैसे हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया था। अगर गाइस आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो फटाफट जाके देखो यार, बहुत मजा आया था उस दिन। हाँ फ्रेंकिट भैया, उस दिन हम लोगों ने कितने सारे पटाखे छुड़ाए थे। हाँ भाई, पटाखे बहुत सारे छुड़ाए थे। और एक मिनट यार, ये इतना जोर का धमाका कहाँ हुआ है? पता नहीं फ्रेंकिट भैया, मुझे भी ये सुनाई दिया। हाँ भाई, जरा बाहर चल के देखे तो गाइस यार सही में बहुत जोर से आवाज आई है यार। ये कैसा धमाका था? लगता है यार कोई अटैक हुआ है क्या यार शहर पे। एंड एक मिनट, ये मेरे घर पे कैसा अटैक है? अबे वो कौन है? अरे सिमियन, ये क्या किया यार तुमने मेरी कार का? अबे यार मेरी कार बर्बाद हो गई, यहाँ भाई मेरी बाइक भी बर्बाद हो गई। फ्रैंकलिन, क्या तुम मेरी बात मानने को तैयार हो? अबे कैसी बात है यार, तुमने मेरी कार बाइक सब तोड़ फोड़ दी, अब और क्या तोड़ोगे? बस अगला निशाना तुम्हारे घर पे है। अबे भाई प्लीज यार, इसे यार रोक दो यार, थम जाओ जरा, बोलो तुम बात क्या है। अच्छा रुक जाऊंगा मैं, अगर तुम सबसे पहले हाँ बोल दोगे तो। अच्छा ठीक है भाई, हाँ बोल रहा हूँ मैं, जो भी तुम बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, तुम बोलो पहले क्या करना है। चलो गाइस, फाइनली यार इसने अपना आरपीजी नीचे तो किया। हाँ अब बताओ भाई क्या काम है, तुम अपना काम बोलो। फ्रैंकलिन, मैंने ऐसे ही नहीं तुम्हारी कार तोड़ी है। भाई ऐसे ही नहीं तोड़ी है, ये देखो भाई क्या हाल कर दिया है, इसमें कुछ बचा भी है, अब ये बिल्कुल नहीं चलने वाली है। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें नई कार दूंगा। भाई तुम नई कार रहने दो यार, देने को उसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे मुझे। नहीं यार पैसे नहीं देने, बस तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम, तुम बताओ जल्दी। तुम्हें बस मेरे लिए 5 गाड़ियां कलेक्ट करके लानी है। भाई 5 गाड़ियां कलेक्ट करके लानी है? फ्रैंकलिन भैया ये तो काफी कठिन काम है। भाई कठिन काम नहीं है, ये सारी फ्यूचरिस्टिक कार है। फ्यूचरिस्टिक कार है, लेकिन कैसी यार, मुझे तो बताओ डिटेल में। ओके गाइस, तो इसने हमें एक लोकेशन बताया और कह रहा है कि वहां से हम लोग जाके लेके आए कार्स को। तो ठीक है भाई, मैं जाता हूँ सबसे पहले लोकेशन पे। गाइस देखते हैं यार कैसी फ्यूचरिस्टिक कार है। अब हमारी कार तो इसने बर्बाद कर ही दी, अब भाई इसने बर्बाद की है ना तो यही देगा हमें कार। निकलो मैम, जाओ यार अब दूसरी कार ले लो। भाई मेरी कार तो यार खराब हो गई, और ये क्या किया यार इसने? अब भाई सीधे हम लोग जैसे ही बैक कर रहे थे, सीधे भाई कार के पीछे ही कूद गई। चलो गाइस अब निकलते हैं हम लोग लोकेशन पे, देखते हैं गाइस कैसी कार है, किस तरीके की फ्यूचरिस्टिक कार है। तो आप लोग गाइस इस वीडियो पर लाइक कर दो। हाँ दोस्तों जल्दी से इस वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल भाई, बाकी तब तक हम लोग देखते हैं यार कहाँ मिलता है हमें पहला कार। वैसे तो ज्यादा दूर है नहीं यार, यही पास में एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, वहीं पे हमें जाना है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंचने वाले लोकेशन पे। वो जो सामने आप लोग घर देख रहे हो जिसपे एक यार टावर लगा हुआ है, उसी घर में है। तो चलो हम लोग इस कार को यहाँ पार्क करते हैं। एंड एक मिनट, यहाँ कुछ लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अबे ये ब्लू कलर के ड्रेस में कौन लोग हैं यार जो दौड़ रहे हैं? अबे ये क्या, ये लोग हमारे पे फायर करने लगे। सिंचन ये क्या यार, उन लोग को पहले से पता चल गया क्या? हाँ फ्रेंकिट भैया, लगता है उन लोग को पहले से पता है कि हम लोग गाड़ी लूटने आ रहे हैं। अबे भाई क्या हो गया, लगता है इन लोग का अपने में ही कुछ फाइट हो गया। अबे भाई ये दोनों अपने में ही मार और के यार खत्म कर लिए एक दूसरे को। गाइस हम लोग अपना गन निकाल लेते हैं। मुझे लगता है गाइस एक बंदा बचा हुआ है, वहां देखो वहां छुपा है ना, रुको इसे अभी हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे दो तो यार मर चुके हैं और इधर से कोई और चला रहा था। गाइस एक मिनट, इसे बाहर जाया निकलने दो। एंड यहाँ पे इसे हम लोगों ने मार दिया, मेरे ख्याल से अब कोई भी नहीं बचा है। एंड यहाँ पे इसे हमने खत्म कर दिया, और यहाँ पे 4 बंदे थे शायद से, 4 भाई थे, चारों गिर चुके हैं यहाँ पे। चलो सिंचन चलो यार जल्दी से इस घर में चलते हैं। एंड ये देखो, ओके तो ये है फ्यूचरिस्टिक कार। एंड देख सकते हो गाइस ये कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। सच में भाई मुझे तो लगता है ये कोई उड़ने वाली कार है, इसमें देखो कोई पहिए नहीं है। फ्रेंकिट भैया फिर चलो इसे जल्दी से ले के चलते हैं। हाँ भाई बैठो जरा, देखें यार कैसी कार है। हाँ सिंचन जल्दी से बैठ जाओ कार में। चलो गाइस यहाँ पे हम दोनों बैठ चुके हैं, और क्या ये सही में फ्लाई करेगी? अभी तो हम लोग इसे देखो जमीन पे ड्राइव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बटन दिया, एंड अब देखो गाइस यार ये कार तो हवा में उड़ जा रही है। अरे वाह यार, तो इसीलिए कह रहा था सिमियन कि यार हमारे पास आज कमाल की कार आने वाली है। और देख सकते हो गाइस क्या मस्त यार, ये तो उड़ने वाली कार है, एकदम बढ़िया से भाई ये फ्लाई कर रही है। पता नहीं ये साइड्स में क्या लगे हुए हैं और उसी की वजह से भाई ये फ्लाई कर रही है। तो ठीक है यार, अब इस कार को हम लोग ना जल्दी से अपने घर पे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से फिर तो ऐसी ही और भी मज़ेदार सी कार्स होंगी। अब मेरा घर कहाँ गया यार, चलो जल्दी से अब हम लोग ना इसे ले करके अपने घर पे पहुँचें। और
ऐसा नहीं है गाइस कि ये सिर्फ हवा में चलेगी, इसे हम लोग जमीन पे भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ये देखो, आराम से हम लोग इसे ना अभी जमीन पे लैंड करेंगे और देखना कैसे हम लोग इसे जमीन पे भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ देखो एकदम स्मूथली ये ड्राइव हो रही है जमीन पे। तो ठीक है गाइस, अब इस कार को ना हम लोग जल्दी से अपने घर पे रख देते हैं एंड इसे ना मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ। गाइस गैराज में हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ बाहर ही रखते हैं। देख रहे हो यार क्या कमाल की लग रही है। वैसे पता नहीं गाइस वो सबको कैसे पहले से पता चल गया। यार सिमियन तुमने बता दिया था क्या यार उन लोगों को, वो सब हमारे पे अटैक करने लगे थे? नहीं फ्रैंकलिन, पता नहीं कैसे उन्हें पता चला होगा। अच्छा चलो यार, वैसे हम लोग बच बचा के यार आ चुके हैं। तो ठीक है भाई, अब बताओ यार नेक्स्ट कार कहाँ पे है, जल्दी बताओ लोकेशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन भाई यार सिमियन बस यार इस आरपीजी को अब हटा दो यार, कब तक लिए रहोगे? नहीं फ्रैंकलिन, अगर तुम कभी भी मना करोगे तो सीधे ये आरपीजी पड़ेगी तुम्हारे घर पे। अरे नहीं यार ऐसा मत करना, मैं जा रहा हूँ यार तुरंत लेके आता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे एक कार हम लोग छीनते हैं। अब भाई ये क्या पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा हुआ है। चलो गाइस कोई और कार यार, जल्दी से कोई कार आ जाए तो हम लोग लेके फटाफट निकले। ओके तो यार यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरी कार आ रही है। आ जाओ भाई सिंचन जल्दी बैठो यार, पिछली बार तो गाइस हम लोग यहाँ से कार छीने और रास्ते में ही खराब पड़ गई थी, तो इस वजह से गाइस दूसरी कार लेनी पड़ी। ठीक है अब यार ये वाली खराब ना हो एंड हम लोग अब जल्दी से चलते हैं सेकंड लोकेशन पे, जो कि है गाइस गवर्नमेंट फैसिलिटी। वहां पे जाना है और उसके पार्किंग में खड़ी है गाइस नेक्स्ट गाड़ी, वो है भाई एक ड्रोन मॉडल की कार। पता नहीं भाई कैसी ड्रोन मॉडल की कार होती है। वैसे तो भाई ड्रोन को हम लोग उड़ा सकते हैं सिर्फ रिमोट से, लेकिन पता नहीं ड्रोन वाली कार कैसी होती है यार, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है हम लोग इसमें बैठ के चलाएंगे। हाँ भाई ये मुझे भी लग रहा है यार कि ड्रोन जैसा सेफ रहेगा और शायद गाइस उसमें हम लोग बैठ कर ड्राइव कर सकेंगे। चलो चल के देखते हैं गाइस किस टाइप की कार है। ऑल राइट, तो यहाँ देख सकते हो भाई गवर्नमेंट फैसिलिटी का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ गार्ड तो खड़ा है लेकिन गाइस ये उस तरफ मुँह किया हुआ है। चलो चलो फ्रैंकलिन भैया जल्दी निकल लो फिर। हाँ भाई यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और यार उसे पता भी नहीं चला, क्या बात है गाइस, वरना यार वो हमारी चेकिंग करने लगता कि हम लोग क्या करने अंदर जा रहे हैं, यहाँ के हम लोग स्टाफ हैं या फिर कहीं बाहर के हैं। तो चलो गाइस अब यहाँ भी देखना है यार कि यहाँ कोई गार्ड है क्या। नहीं यार यहाँ तो कोई भी गार्ड नहीं है। तो ठीक है भाई यहाँ पे एक गार्ड है जो कि उधर है। ठीक है कोई बात नहीं, उसे उधर रहने देते हैं। हम लोग गाइस यहाँ से निकल जाते हैं एंड यहाँ पे वो गार्ड भी उधर मुँह किया हुआ है और यहाँ तक आ गए तो उसे शायद लग रहा होगा कि हम लोग बिल्कुल सही आदमी है। तो हम लोग अंदर चलते हैं यार बिना डरे हुए, बस ये ओपन हो जाए। अबे खोलो यार, अच्छा ये अपने से नहीं खुलता है। चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं इसके पार्किंग में। पार्किंग में गाइस खोजना है हमें ड्रोन जैसी कार। अबे भाई ड्रोन जैसी कार कहाँ है यार, यहाँ तो सारी ही नॉर्मल कार्स दिखाई दे रही हैं। चलो कार को यहाँ खड़ी करते हैं फिर ढूंढते हैं। फ्रैंकलिन भैया ये बगल में क्या है? भाई ये बगल में कुछ अजीब सा लग रहा है यार, क्या है ये? फ्रैंकलिन भैया कहीं यही तो वो ड्रोन वाली कार नहीं है? अच्छा हाँ यार शायद यार सिंजन तुम सही कह रहे हो, यहाँ देखो चार पंखे लगे हुए हैं। यार मुझे लगता है यही वो ड्रोन वाली कार है। आओ सिंजन बैठो भाई, शायद यही है, आओ बैठ के देखें जरा। और देखो गाइस ये तो सच में यार वही चीज है, यहाँ हम लोग इसे टेक ऑफ कर सकते हैं। सिंजन संभाल के रहना यार, चलो हम लोग इसे लेके चलते हैं। और यहाँ तो कोई सिक्योरिटी का झमेला भी नहीं है यार, हम लोग सीधे हवा में उड़े और अब सीधे इसे घुमाते हैं अपने घर के डायरेक्शन में। भाई सही में ऐसा ड्रोन तो यार मैं पहली बार चला रहा हूँ। और देखो भाई ऐसा लग रहा है इंजन कितना बड़ा साइज का है, यहाँ देखो भाई क्या मस्त वहाँ पे वो खड़ा है और हम लोग यहाँ बैठ के इसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस अपना जल्दी से इसे लेके चलते हैं अपने घर पे बिना कोई लेट किए, क्योंकि गाइस उसने हमें पहले ही कह दिया है कि अगर हम लोग ज्यादा देर करेंगे तो भाई वो अपने घर पे अगला आरपीजी चला देगा। लो भाई सिमियन हमने यार तुम्हारी ये नेक्स्ट गाड़ी ले आ दी है। भाई इसे लैंड कैसे करें यार, एक तो इसे चलाना और कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल पड़ रहा है। चलो गाइस किसी तरह हमने यहाँ पे इसे लैंड कर दिया है, अब इसे धीरे से वहाँ ले चल के बस रख देते हैं। आओ सिंचन उतरो जल्दी से। ओके गाइस तो यहाँ पे दूसरी गाड़ी हमने रख दी है। यार यहाँ पे ये अकेले अकेले कॉफी पीने लगा, भाई तुम्हारी आरपीजी कहाँ गई? फ्रैंकलिन मैंने उसे तो रख दिया अंदर। अच्छा ठीक है भाई चलो अंदर रख दिया, सेफ है वो। बाकी अब बताओ भाई तीसरी गाड़ी का लोकेशन बताओ जल्दी से, तीसरी लेके आए। भाई अभी तीन और लानी है यार, दो ही अभी आई है। ठीक है फ्रैंकलिन रुको बताता हूँ। गाइस तो हमें नेक्स्ट कार का पता तो चल गया और ये कार तो अपने ही पड़ोस में है, मतलब बगल में ही यार, ज्यादा दूर जाना नहीं है। आ जाओ सिंचन फिर यार इसको लेने
हैं, चलते हैं जल्दी से गाइस। बस कार एक मिल जाए फटाफट इस बार। एंड यहाँ पे ये एक तीसरे टाइप की कार है, मतलब भाई देख रहे हो आप लोग, हम लोग जितनी बार भी चोरी करने जा रहे हैं दूसरी कार को, हम लोग हर बार भाई किसी अलग कार से जा रहे हैं। ओके तो ये देखो, ये रहा वो घर। भाई घर तो काफी शानदार है यार, देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा घर है। चलो अच्छा, इस कार को हम लोग यहाँ पार्क करते हैं और कार देख सकते हो ये वाली है जिसे हमें लेके चलना है। वह भाई काफी यूनिक सी लग रही है यार सिंचन, आओ फिर बैठे यार इसे जल्दी से लेके चलें। अबे ये क्या, ये तो लॉक पड़ी हुई है। रंगी भैया फिर क्या करेंगे हम लोग? भाई वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, अब कैसे हम लोग इसे लेके चलें यार, बांध ले क्या उस कार से? नहीं फ्रेंकी भैया, कैसे बांध के लेके जाओगे, ये काफी भारी कार है। हाँ वो तो है यार, चलो अच्छा देखते हैं यार कहीं इसका ओनर आसपास दिख जाए या फिर चाबी कहीं से मिल जाए, देखते हैं यार इसके घर में कहीं जाने का रास्ता हो। तो चलते हैं फटाफट इसके घर में, आ जाओ सिंचन थोड़ा संभल के। एंड एक मिनट, वहाँ पे कोई आदमी है जो कि फोन पे लगा हुआ है। गाइस यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे वहाँ एक बैठा हुआ है वो तो उधर मुँह किया हुआ है, लेकिन ये आदमी एक है, शायद यार हो सकता है इसके पास वो चाबी हो। तो गाइस हमारे पास ये स्टन गन है, फटाफट इसे हम लोग बिजली का एक झटका देते हैं, ये बेहोश होगा। और भाई ये तो पानी में गिर गया। अरे सेट यार रुको, अब जल्दी से हम लोग, अरे यार ये बाहर निकल गया यार, कैसा यार इसे हम लोगों ने बिजली का झटका दिया और कैसा ये बेहोश नहीं हो रहा है। चलो गाइस एक बार और दे दिए, और कोई देखा तो नहीं हमें? नहीं गाइस कोई नहीं देखा यार, चलो जल्दी से हम लोग। एक मिनट यार इसका ब्लड कैसे निकल गया, जल्दी करो यार चाबी उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो गाइस फटाफट अब यहाँ से भागते हैं। अबे भाई चाबी तो हमें मिल गई, लेकिन गाइस ये हुआ क्या यार? भाई हमने तो यार बस उसे स्टन गन से मारा था बेहोश होने के लिए। रंगीत भैया हो सकता है वो गिरा होगा तब उसे चोट लग गई होगी। हाँ यार ये तो तुम बात सही कह रहे हो, सकता है उसे गिरने पे चोट लगी हुई होगी। एंड यार इस कार का आवाज सुन रहे हो सिंचन, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। हाँ फ्रेंकी भैया कितना ज्यादा बढ़िया सा आवाज है इसका। बिल्कुल वही ना यार, बहुत शानदार आवाज है। तो ठीक है गाइस अब यार ये थर्ड कार हमारे पास आ चुकी है, जल्दी से अब इसे भी अपने घर पे ले चलते हैं। और ये कार तो यार फ्लाई नहीं करती है, ये बिल्कुल नॉर्मल कार है, ये फ्लाई नहीं करती है बस। हाँ यार इसका आवाज थोड़ा अलग सा है, और भाई लुक तो यार देख सकते हो कितना अलग है, मतलब ऐसी कार नॉर्मली नहीं दिखेगी आपको, ब्लैक कलर है और भाई ऊपर से ये कलरफुल सा लाइब्रेरी। तो ठीक है गाइस अब निकलते हैं हम लोग फोर्थ कार लेने के लिए। सिमियन जल्दी बताओ फोर्थ कार के बारे में, कहां है चौथी कार? ओके गाइस तो फोर्थ कार के बारे में भी हमें पता चल गया, जो कि गाइस फैक्ट्री के पास है। तो चलो भाई फटाफट फैक्ट्री की तरफ चलते हैं हम लोग और वहां से फोर्थ कार उठाते हैं। ऑल राइट गाइस तो आ चुके हैं हम लोग फैक्ट्री पे। अब यहां पे गाइस गार्ड खड़ा है, प्लीज भाई हमें रोकना मत यार, स्टॉप मत करना हमें यहां पे। एंड यहां पे इसने कुछ भी नहीं बोला, क्या बात है सिंचन आ जाओ भाई। मेरे ख्याल से यार सिंचन हमारे साथ है ना, तो वो सोच रहा होगा कि यार हम लोग नॉर्मली आदमी होंगे। चलो अब चलते हैं अंदर। एंड मुझे यहाँ से कुछ तो दिखाई दिया है, वो देखो गाइस वो रही वो कार जिसे हमें लेना है। और ये भी गाइस देख सकते हो यार वैसी ही उड़ने वाली लग रही है। तो एक एक करके सबसे पहले तो यहाँ पे सबको निपटाते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो इस गन वाले को हटाते हैं। और ये क्या यार, ये सारे चौकन्ने हो गए। अब भाई सबके पास गन था लगता है। और देखो भाई वो लोग हमें नोटिस भी कर लिए, जल्द यार इन लोग को मारना पड़ेगा। अबे यार यहाँ पे इसे मारा एंड इस वाले को भी। मेरे ख्याल से सारे के सारे यहाँ पे मर चुके हैं। आ जाओ सिंचन जल्दी आ जाओ भाई, कार लेके निकले, वरना भाई इनका बैकअप आता ही होगा। और मुझे लगता है इन्फॉर्म इन लोगों ने तो कर ही दिया होगा, गाइस कोई पुलिस वाला बचा नहीं है। चलो भाई जल्दी सब इस कार को लेते हैं और फटाफट इसे लेकर के यहाँ से निकलते हैं। भाई ये भी वैसी उड़ने वाली कार है, तो यार कोई पकड़ नहीं पाएगा हमें, इसे तुरंत हम लोग लेके निकल चलेंगे। चलो आ सिंचन जल्दी बैठो कार में। ओके गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो इस कार में हम लोग बैठ चुके हैं, अभी तो हम लोग इसे जमीन पे ड्राइव कर रहे हैं। चलो इसका उड़ने वाला फीचर ऑन करें। एंड देख सकते हो गाइस अब इस कार को हम लोग हवा में ले चुके हैं। भाई अब तो यार कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं पकड़ सकता हमें। अब यार इसका यही जो पता नहीं क्या लगा हुआ यार साइड्स में, उसी के एयर प्रेशर के वजह से भाई ये कार फ्लाई कर रही है। तो ठीक है भाई ये फोर्थ कार भी हो गई हमारे पास, अब बस एक और है। और अब ये देखना है कि गाइस इन सब में से कौन सी कार वो हमें देगा। भाई पता नहीं यार कौन सी देने वाला है, भाई बस वो ऐसा कह देना कि मेरा जो मन वो हम लोग ले सकते हैं। फिर तो भाई मैं उस रेड वाली को लूंगा जो सबसे पहले नंबर पे हमने लाई थी। गाइस तो आ चुकी है ये कार अब घर पे। यार थोड़ा सा कंट्रोल करने में दिक्कत तो हो रहा है यार, थोड़ी अलग अलग टाइप की कार्स हैं। चलो इसे अब जल्दी से यहाँ पे पार्क करें। भाई देख रहे हो यार हमारी कार
कार वहाँ पे देखो खराब पड़ी हुई है। अबे भाई वो वाली कहाँ गई, वो जो छोटी सी थी यहाँ पे? यार उसे मैंने अंदर रख दिया, जगह कम था ना। अच्छा ठीक है भाई, चलो गैराज में रख दिया फिर तो सही है। चलो सिमियन तो बताओ यार अब नेक्स्ट गाड़ी कहाँ पे है? और भाई तुम्हारा कॉफी अभी तक खत्म नहीं हुआ? अबे ये मेरा गैराज का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा खुल गया भाई, मुझे लगा कहीं खराब तो नहीं कर दिया तुमने। नहीं फ्रैंकलिन यार, इतने पैसे मेरे पास है यार, खराब होगा तो मैं बनवा दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, चलो अब ज्यादा हाँ को मत, तुम बताओ भाई लास्ट कार कहाँ पे है? ठीक है फ्रैंकलिन तो सुनो। ऑल राइट गाइस, तो नेक्स्ट कार के बारे में हमें पता चल गया है, और वो भी भाई एक घर में है जहाँ भाई दो लोग फाइट कर रहे हैं उस कार के लिए। तो ठीक है यार, उस कार को ना हम लोग चल के ले लेते हैं, वो दोनों को ही भाई हम लोग खत्म करेंगे और उस कार को हम लोग ले लेंगे। ऑल राइट गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे। देख रहे हो यार क्या बढ़िया घर है ये, और इसी घर के अंदर है भाई एक और फ्यूचरिस्टिक कार। तो चलो आज असंजन जल्दी चलते हैं यार, लेते हैं इस कार को भी और अपना काम आज का पूरा करते हैं। भाई देख रहे हो यार क्या शानदार घर है ना। अब देखो गाइस, बस इस घर के उस पार हमें जाना है। आज असंजन जल्दी आ जाओ भाई पीछे पीछे। हाँ फ्रैंकलिन भैया, आ रहा हूँ मैं। चलो गाइस, तो ये पहुंच गए, और यहाँ देखो गाइस दो लोग हैं जो अपने में लग रहे हैं भाई इस कार के लिए। यहाँ देखो एक दूसरे पे गन ताने हुए हैं। तो ठीक है भाई, तुम लोग गन लगाए रहो और हम लोग अपना काम करते हैं। तुम ऐसा करो ना, दोनों ही लोग भाई जाओ अभी। भाई अभी यार मेरी कार ये हो चुकी है, इन दोनों को हमने खत्म कर दिया, और अब हम लोग इस कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। आज अंजा जल्दी बैठ जाओ भाई अंदर। ओके गाइस, तो हम लोग इस पे बैठ चुके हैं और अब यहाँ से इसे बाहर निकालते हैं। चलो भाई फटाफट ऑटोमेटिक खुल जाओ। एंड भाई स्पीड देख रहे हो यार, ये बहुत तेज चलती है कार। सही में भाई यहाँ पे देखो क्या मस्त स्पीड पकड़ रही है यार, तुरंत यार 100 पहुंच जा रही है। मतलब मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने सेकंड में ये 100 पहुंच रही है। चलो सिंचा जल्दी से अब चलते हैं इसे लेकर के, और देखते हैं भाई इन सब में से हमें कौन सी कार रखनी है। फ्रैंकलिन भैया, पहली वाली कार को हम लोग रखेंगे जो उड़ रही थी। हाँ भाई पसंद तो है यार मुझे वही वाली कार। चलो देखते हैं यार अब क्या वो कहता है। ऑल राइट गाइस, तो ये लास्ट कार भी अपने घर पे पहुंच चुकी है, और यार यहाँ पे इसने स्पेस भी बना दिया था कार रखने का, तो यहाँ पे हम लोग इसे पार्क कर देते हैं। अरे यार लड़ा क्यों रहे हैं? हाँ तो बताओ भाई सिमियन, इनमें से कौन सी कार मेरी है? भाई इन सब में से ना तुम वो ड्रोन वाली कार रख लो। भाई ड्रोन वाली सबसे रद्दी कार मैं रखूंगा, ऐसा मत बोलो वरना भाई अभी उड़ा दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, बताओ तुम्हें कौन सी रखनी है? भाई मैं रखूंगा ये रेड वाली, इतनी मेहनत गाइस हमने की, और ये बोल रहा है कि हम लोग रख लें वो ड्रोन वाली, वो छोटी सी कार। नहीं फ्रैंकलिन ठीक है यार, तुम रेड वाली रख लो। चलो भाई ये तुमने काम अच्छा किया, आज इंचन बाहर निकलो यार। चलो गाइस, तो हमने यार ये रेड वाली कार ले ली है, अब ये कार आज से हमारी होती है। ये भाई उड़ भी सकती है, जमीन पे भी चल सकती है। तो ठीक है भाई अब तुम जा सकते हो, ये सारा अपना यार यहाँ से कपड़ा लेकर के बस इसे छोड़ दो। ठीक है फ्रैंकलिन चलो मैं चलता हूँ। हाँ भाई लेके जाओ सब कुछ। एंड गाइस अब आप लोग भी यार इस वीडियो पे फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस अब मिलते हैं हम लोग एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।